नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे एडिशनर की शुभारंभ सभा को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में भारत को शीर्ष पर चढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस स्थान पर हमारा अधिकार है। भारत और भारतीय इससे कम पर समझौता नहीं कर सकते। चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व भारत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को 5G लॉन्चिंग के साथ ही यूरोप में एक कार का परीक्षण ड्राइव भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बैठे बैठे ही 5G तकनीक की मदद से यूरोप में कार चलाई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, दुनिया चला रहा है भारत। बता दें कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे एडिशनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विस का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जियो पवेलियन के प्रदर्शित ट्रू 5G उपकरणों को देखा और जियो ग्लास को खुद पहनकर उसका अनुभव भी किया। उन्होंने युवा जियो इंजीनियरों की एक टीम द्वारा एड टू एंड 5G तकनीक के स्वदेशी विकास को भी समझा। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, दूरसंचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान, रिलायंस के चेयरपर्सन, रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी भी उपस्थित थे। दोस्तों, ये एक नई उड़ान है, देश की नई उड़ान है और देश आगे बढ़ रहा है और ऊंचाइयों को छू रहा है। इस वीडियो को देखकर आप प्रधानमंत्री जी के लिए क्या शुभकामना संदेश देंगे, हमें इंतजार है आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।